आपकी चहती गुड्डन यानी कि कनिका मान की जन्मदिन पार्टी की ब्लैक कलर की ड्रेस में कनिका आज लग रही हैं बेहद ही खूबसूरत। और इनकी इस खूबसूरत पार्टी में चार चांद लगाने आए कनिका के तमाम सारे करीब दोस्त और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम झिलमिलाते सितारे। अलग तो होना ही चाहिए ना, रोज सेम खाना तो खा नहीं सकते, तो आज कोई अलग तड़का लगा के आई हूँ मैं। कनिका मान जी, कनिका मान साहब, हैप्पी बर्थडे एंड आई कांट वेट टू मीट यू। एक्चुअली देखो, एक दीवार के बीच में हम अलग हैं, सो हम दोनों ने बहुत बॉन्ड किया है हमेशा, एक दो पार्टीज में जब भी मिले हैं। पिछली पार्टी की वजह से जो कॉन्वर्जेशन हमारी थी, आई बैडली वॉन्टेड टू मीट यू कनिका। मैं सीधा सेट से आ रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, एंड आई एम अ पर्सन हु लव्स टू गिव गिफ्ट, ओके, दैट्स हाउ आई एम। सो बन्नी चाओ की तरफ से आपके लिए है बन्नी का खास लाड दुलार और ममता से भरा खुद बन्नी। ताकि तुझे याद रहेगा कि तुझे बन्नी ने गिफ्ट किया था बन्नी। एक्चुअली आई हैव एडमायर्ड हर वर्क, मैंने उसकी गुड्डन शो को देखा है। अर्जुन भैया का जो अर्जुन बिजलानी का जो रूहानियत था सीरीज, मैंने वो भी देखा है, एंड शी इज़ डन एन अमेजिंग वर्क। मेरे कई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उसके साथ, एंड आई हैव ऑलवेज सो एक रिस्पेक्ट होती है जेन्युइनली। उसका इंस्टाग्राम हमेशा देखा, वो इतनी एंटरटेनिंग है, क्यूट है, बबली है, चुलबुली है। तो एक पार्टी में मिली थी उससे, थोड़ी बहुत बात हुई थी, और पिछली पार्टी में अश्नूर के बर्थडे पार्टी में मैंने और कनिका ने बहुत बातें की, बहुत ज़्यादा बातें की। तो कभी कभी होता है यार, ऐसे क्लिक हो जाता है। तो उसके बाद से मैं मिलना चाह रही हूँ, और टाइम ही नहीं था, एंड फाइनली कनिका के बर्थडे पे उसने खास करके उस बुलाया, एंड आई फेल रियली नाइस काफ़ी दिनों से। तो आई एम ग्लैड कि आज मेरा थोड़ा पैकअप मैंने जल्दी करवाया और मैं आ गई। भाई, सितारों से सजी इस पार्टी में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी, और ना ही कमी थी इन सितारों को इनके खास दिन पर जन्मदिन की बधाइयां देने वालों की। टुडे इज अ स्पेशल डे, और हम सब उसको सेलिब्रेट करने आए हैं इधर, एंड आई विश ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। हैप्पी कन्नू। इट इज़ 4 to 5 years, द फर्स्ट टाइम मैं उसे मिली थी, हम साउथ कोरिया गए थे साथ में। और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को जानना चाहते हो अच्छे से ना, तो उनके साथ ट्रैवल करो। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कनिका के साथ अमेजिंग था, हमने बहुत मज़े किए, हम लोग डांस करते थे स्ट्रीट्स पे। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थिंग टू बॉन्ड, एकदम इंस्टेंट कनेक्शन था हमारा। सो अभी तक इसलिए मैं उसकी दोस्त हूँ। बहुत ही ज़्यादा हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत प्यारा है। उसका एक रीज़न ये भी क्योंकि वो मुझे बहुत समझती है, हम दोनों यू नो बहुत रिलेट कर पाते हैं बीइंग इन द सेम प्रोफेशन, और एक तरीके से मुझे गाइड भी बहुत करती है, बिकॉज़ यू नो वो काफ़ी टाइम से है तो मुझे बताती है ये करना है ये करना है। और उसके अलावा शी इज़ फन टू बी अराउंड, एंड यू नो शी इज़ माई वाइफ, सो हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत चिल करते हैं साथ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज मैं इनफैक्ट गुड्डन खत्म होने के बाद पहली बार कनिका को मिलने वाली हूँ। मैं मिला था। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 3 सालों के बाद कनिका को मिलने वाली हूँ। सो एंड उसका बर्थडे है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और तो सबसे पहले तो मैं कनिका को आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड वी शेयर वेरी गुड बॉन्ड विद फ्रेंड्स। हम इतने ज़्यादा मिलते नहीं हैं, ऑन एंड ऑफ मिलते रहते हैं,
बट रिसेंटली आई सॉ इन खतरों के खिलाड़ी शी डिड लाइक रियली वेल एंड टुडे इज अ मोर देन आई एम रियली हैप्पी फॉर हर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस इन लाइफ दैट्स इट अरे बहुत सारी यादें हैं मुझे बस यही याद है कि कनिका को राजमा बहुत पसंद है सो नहीं बहुत मज़े किए हैं उसके साथ रहेंगे तो हंसते ही रहेंगे शी इज़ वेरी वेरी फनी वेरी वॉर्म वेरी वॉर्म मुझे याद है एक रात हमने उनके रूम में पार्टी भी की थी हम सब बैठे थे और हमने बहुत मज़े किए शी इज़ बीन ऑलवेज देयर फॉर मी नॉट सबको दिखता नहीं है ज़रूरी नहीं है कि बट शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी पोलाइट एंड जस्ट ऐसी वाइब आस पास होनी चाहिए हमेशा टू मोटिवेट यू टू कीप यू पॉजिटिव मान साहब का बर्थडे आज और मैंने और मान साहब ने बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स शेयर करे हैं खतरों के खिलाड़ी में मुझे याद है जब मैं एलिमिनेट हुई थी तब मैंने मान साहब को जाके कहा था कि बहन तू तो घर नहीं आएगी और वो घर नहीं आई वो एंड तक टिकी रही एंड बोलना बहुत आसान होता है पर वहाँ पर रहना और सब कुछ सहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो शी इज़ बिन थ्रू अ लॉट एंड शी इज़ कम आउट एज अ फाइटर एंड आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ हर एक्चुअली मैं कनिका से बहुत सालों बाद मिल रही हूँ मुझे याद है हमारी मुलाकात हुई थी आई थिंक एक जगह एक हम सेम मॉक शूट के लिए गए थे तो मैं पहली बार वहाँ से मिली वहाँ पे मिली और हमारी फर्स्ट टाइम में कम से कम 3 से 4 घंटे बात हुई वहीं पे बैठे बैठे हमारा ऑडिशन हो गया सब कुछ हो गया तो ऐसा स्पेशल बॉन्ड है उसका मेरे साथ मतलब एक कनेक्शन है कि हमारी ऐसी बैठे बैठे इतनी घंटे बात हो गई और ऐसा लगा जैसे हम पहली बार नहीं मिल रहे काफ़ी टाइम से जानते एक दूसरे को तो अच्छा गया सो हमने क्योंकि रात को ही पार्टी कर ली थी मेरे घर पे मेरी फैमिली ने कुछ प्लानिंग की थी तो हम लेट सोए दिन सुबह में ऑर्फनेज गई एंड देन सारा दिन आप सबकी विशेज के साथ बीत गया